नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज। मैं भूपेंद्र सिंह सोनोवाल। दोस्तों लगातार 70 दिनों के करीब हो गए हैं और जो अभ्यर्थियां 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 3 दिन से लगातार भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उनके साथ हैं। उनके साथ में इको गार्डन लखनऊ में चल रहे आंदोलन में वहीं पर वह खाना पीना सोना उनका वहीं पर हुआ है। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट पे कि 69,000 शिक्षक भर्तियों में जो आरक्षण का घोटाला उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है उसमें करीबन ओबीसी की 15,961 एवं एससी की 3,136 सीटों पर सरकार ने घोटाला किया है और सरकार किस मुंह से कहती है कि वह ईमानदार है। यह भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, क्योंकि लगातार 3 दिन से वह वहीं पर हैं, उनका सोना खाना पीना वहीं पर हो रहा है और कल शाम को उन्होंने कैंडल मार्च के द्वारा सरकार को बताना चाहा कि जो 69,000 शिक्षक भर्तियों में उन्होंने घोटाला किया है और इसको लेकर लगातार ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग में चला गया 69,000 शिक्षक भर्तियों में आरक्षण घोटाला। और जो ओबीसी आयोग है, ओबीसी आयोग उसने भी यह साफ कर दिया है कि जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती हैं इसमें घोटाला हुआ है, आरक्षण घोटाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं लगातार उन पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस द्वारा और कई सारी वीडियो भी वायरल हुई। सरकार आखिर अभ्यर्थियों जो बेरोजगार हैं उन पर भी लाठियां बरसा रही है। वो रोज़गार मांगते हैं तो उन पर भी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो लाठियां बरसाती नज़र दिखती हैं। जी, बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए मिशन के साथ। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।